जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेब के पौधे की, जो 2 साल का पौधा है, उसकी हम कटिंग कैसे करते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में जहाँ पर सेब जो लोचलिंग का हो रहा है, अन्ना डोरसेट गोल्डन हरिमन 99, तो 2 साल के पौधे उनके इतने बड़े हो सकते हैं, हो चुके हैं उनके 2 साल के पौधे। तो अब उसकी जो हम प्रूनिंग कैसे करें, प्रूनिंग से क्या फ़ायदे हैं, ये भी मैं बताऊँगा। और मैं अभी कश्मीर आया हुआ हूँ तो हम भाई से परिचय जानते हैं, इनका एक अच्छा अनुभव है इनकी प्रूनिंग और कटिंग के बारे में। तो भाई एक बार अपना एड्रेस और नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सोहेल अहमद है, मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से वाकिफ हूँ और मेरा विलेज है यमरश यारीपुरा और मैं इसकी प्रूनिंग करना चाहता हूँ, तो आपको मैं ले चलता हूँ प्रूनिंग पे। हाँ, इसका हम ये जो कंपटीशन वाला है, नजदीक दिखा दो, ये हम इसको हटा देते हैं। जो भी हमारे को लीडर में कंपटीशन आता है, जो वीक वीक ब्रांचे हैं उनका हम हल्का सा इसमें निशान छोड़ जाते हैं। अच्छा, इसको नजदीक से काटे हैं या दूर से काटे? जो हमारे को नजदीक मतलब लीडर का होता है उसका हमारे को मतलब पूरा काट देना है। अच्छा। ताकि वो फिर से एक नई ब्रांच, वीक ब्रांच ले आए। अच्छा। जैसे कि ये ब्रांचे हैं, इनको हमको आगे क्लिक ही करना है। अच्छा। ताकि ये आगे बीमा बना जाए, इस क्लिक से सब बीमा बनता है। और ये, हाँ, इसका भी हम आगे क्लिक कर सकते हैं ताकि ये वीक फर्दर है, इसका बीमा बन जाए। जैसे हमारे वहाँ पर जो गर्म जलवायु है उसके जो फ्लावरिंग है फरवरी में आती है और दिसंबर में हम उसकी ये प्रूनिंग वगैरह करते हैं, तो इसकी प्रूनिंग के बाद इसमें हम कौन सा स्प्रे करें? प्रूनिंग के बाद आप यूरिया भी की स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, यूरिया की कर सकते हैं, या किसान साथियों आप COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। भाई इसकी ना प्रूनिंग क्यों करते हैं? इसका प्रूनिंग, एक तो हमारे यहाँ बर्फ आता है, एक तो उससे बच जाता है, अगर कोई पौधा बड़ा होता है इसमें पत्ते के ऊपर बर्फ रह जाता है, एक तो वो होता है, दूसरा तो इसमें फ्रूट का साइज मेन होता है, फ्रूट का साइज बनना। अगर ये प्रूनिंग में ज्यादा ग्रोथ करेगा ना, अगर वैसे ज्यादा ग्रोथ करेगी ये टहनी, तो इसमें फ्रूट नहीं आएगा ना? हाँ, इसमें बिल्कुल फ्रूट नहीं आएगा। अच्छा, जब तक हम इसको कट नहीं मारेंगे तब तक ये बीमा नहीं बनाए, बीमा नहीं बनाएगा, बीमा बिल्कुल नहीं बनाएगा। और जो इसकी जो नजदीक वाली ब्रांचे 2 होती है उसको हमारे को इस तरीके से काटनी होती है। अच्छा, ताकि ये फिर से नई वीक ब्रांचे ले आए। अच्छा, वीक ब्रांचे ले आए, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं जो हम एक ब्रांच लंबी रखते हैं? इसको लीडर बोला जाता है। अच्छा, ताकि ये लीडर को ये कंपटीशन ना दे। अच्छा, ये ब्रांच है? हाँ जी, इसका हम जो अंदर अंदर वाली ब्रांच है, हाँ, एक तो वो गन्ना कर देती है पौधे के अंदर, एक तो सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हम अंदर वाले जो फेदर होते हैं वो हम निकालने की कोशिश कर देते हैं। और इसमें कौन सा लीडर होगा, या एक पौधे में एक लीडर होता है? इसमें अब ये इधर वाले जो ब्रांच है, हाँ, इसमें अब बन चुका है इतने वाले ब्रांच, तो इसमें इतना ही रखना है। अगर हमको सिंगल वाला पे काम करना है तब ये फेदर इधर काटना होगा। अच्छा, और ये है जैसे ये लीडर हो गया, और ये, हाँ, ये जो बच मतलब, गई, हाँ, ये भी अब ब्रांचे बनेंगी, इसको हम थोड़ा नहीं, ये भी लीडर की बराबर जा रही है ऊपर, हाँ, से तो क्लोज तो लाएंगे ना इसको, इसको हम ये लीडर रखेंगे। अच्छा, हाँ जी, इस तरीके से हम इसको नीचे ला सकते हैं। अब जो यहाँ से कट मारा है तो इसमें से अब निकलेगा ना नया? इसमें अब जो नीचे वाली आंख होती है इसमें अब वीक ब्रांच होती है। अच्छा, वो ऐसे आएगी? हाँ, वो नीचे की तरफ। उसका क्या फायदा है? उसका जो नीचे की तरफ फेदर जाता है वो ग्रोथ कम कर देता है। हाँ। और वो बीमा जल्दी बना देता है। अच्छा, अगर जैसे हमारी सक्सेसफुल ज्यादा होगी, अगर हम ज्यादा अच्छे से बेंड कर देंगे अपने फेदर को, जो ऊपर वाली जो आईज होती है वो सूरज की तरफ भागने लगती है, वो इतनी इतनी सी बीमा बना जाती है। अच्छा, हाँ जी, तो उससे बेंड करने से हमारे को ज्यादा क्रॉप मिल सकता है। इसलिए फार्मर लोगों को हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको बेंड करें। अच्छा, खाली प्रूनिंग ही करनी होती है? खाली प्रूनिंग, हम अपने पौधे को साइज और बर्फ से बचाते हैं। अच्छा।